गुरुवार को पुलिस अधीक्षक उत्तरी गणेश साह ने 5 मार्च को सहजनवा थाना क्षेत्र के सिहापार मगहर बाईपास रोड पर मिली 2 अधजली लाशों की शिनाख्त के बाद मामले का खुलासा किया है। शाह ने बताया कि दोनों सगे भाइयों की हत्या नाजायज संबंधों को लेकर की गई थी। पकड़े गए अभियुक्त के पास से हत्या में शामिल 2 चाकू और 1 चार पहिया वाहन बरामद हुआ है। इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, ये मामला ये है कि करीब 5 मार्च को 2 अधजली बॉडी सजनवा सियापार मगर बाईपास में मिली थी। बॉडी को देख के लगा था कि इसका गला रेता गया है और उसको जलाकर फेंक दिया गया था। उसके बाद पूरे मामले की जानकारी के लिए एसओ सजनवा के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। सबसे पहले दिक्कत तो ये आ रही थी कि ये बॉडी की पहचान हो जाए। काफ़ी प्रयास के बाद बॉडी की पहचान हो पाई, जिसके 2 व्यक्ति जो आपस में भाई थे, विजय सिंह और दिनेश सिंह, इनकी पहचान की गई। ये सिद्धार्थ नगर जिला चिल्हिया थाना और गांव गुजरवलिया के रहने वाले थे। इनकी पहचान हुई मुख्य खास के द्वारा। उसके बाद पहचान के बाद आगे की तफ्तीश चालू हुई कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो ये पाया गया कि एक शिवनाथ नाम के व्यक्ति हैं, जिनका मृतक के घर आना जाना लगा रहता था और मृतक के की पत्नी के साथ इनके दोस्ती वगैरह भी थी। तीनों ने ही दोनों भाई को एक लड़की दिखाने के, अपने भाई की लड़की दिखाने के बहाने से गोरखपुर बुलाया। रास्ते में इन्होंने मृतकों को दारू पिलाया। काफ़ी नशे की हालत में जब ये श्योर हो गए कि गोरखपुर में एंट्री हो गई, तो विशाल और सूरज, एक और वीरेंद्र हैं जो फोर्ड फिगो गाड़ी में ये चारों आ रहे थे, उन्होंने दोनों भाई को पकड़ के, जो नशे की हालत में काफ़ी थे, गले रेत दिया। डेड बॉडी की पहचान ना हो इसके लिए उन्होंने डेड बॉडी को मगर बाईपास के पास फेंक दिया और उसमें पेट्रोल जला के आग लगा दी। जो चीज़ें सामने आई है इसमें मृतक की पत्नी का भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी सीधे सारी जानकारी थी। और बाद में पूरी जो तफ्तीश की गई तो निष्कर्ष ये निकला गया कि शिवनाथ मृतक की पत्नी, 3 और व्यक्ति वीरेंद्र, सूरज और विशाल की मिलीभगत से ये चीजों को, ये हत्या को अंजाम दिया गया। बाद में गाड़ी जिससे मृतक लोग आए थे, फोर्ड फिगो जो गाड़ी थी, उसकी रिकवरी हो गई, आला कत्ल की रिकवरी हो गई। एक जो अभियुक्त है विशाल, वो फरार हो गया है, उसकी भी तलाशी की जा रही है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी। जैसा कि मैंने आपको संकेत दिया कि दिन शिवनाथ के जो जिन्होंने बैला पुतला के दोनों को लड़की दिखाने के बहाने से लेके आए थे गोरखपुर, इनका ही जो दोस्ती थी मृतक की पत्नी के साथ थी। और जो बातचीत में बातें सामने आई है कि मृतक को संदेह भी हो गया था, मारते पीटते भी थे, इसी सब चीज़ों को लेके इन्होंने ये प्लानिंग बनाई। हाँ, आपको मैंने बताया है कि चला है और हम लोग और भी पता कर रहे हैं, अगर कुछ सामने आए तो बताया जाए।